हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका प्यारा शिनचैन महाराज एंड आप सभी का स्वागत है हमारे पेलवर्ड सीरीज के एक और न्यू एपिसोड में। तो पिछले एपिसोड में तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया था, बस थोड़े बहुत पेल्स पकड़े थे और थोड़ा एक्सप्लोर किया था। लेकिन आज हम लोग यहाँ पे अपना एक अच्छा सा घर बनाएंगे। चलो दोस्तों, आज हमें बहुत ज्यादा काम करना है, जल्दी से काम शुरू करते हैं। So, दोस्तों, अभी घर बनाने का काम शुरू करने से पहले आप देखो हमारे दो पेल्स। हाँ, ये दोनों पेल्स को मैंने पकड़ा है बहुत ज्यादा मेहनत से। शिनचैन ने भी बहुत मेहनत की थी। हाँ, ये देखो, ये है हमारा पहला। ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये काम भी बहुत जल्दी जल्दी करता है। एंड अभी हम आपको दिखाते हैं हमारा दूसरा उड़ने वाला पेल, जिसका नाम है डे ड्रीम। उसको पेल्स पेयर से बाहर निकालना पड़ेगा। सो ये हमने निकाला उसको बाहर। ये हमारा दूसरा जो के उड़ते उड़ते काम करता है। देखो हमारी पैल्स कितनी अच्छी है, ये बाहर आते ही काम करना शुरू कर देते हैं। एरी कामचोर मसाओ, तुम भी थोड़ा काम कर लो। हाँ यार मसाओ, अभी हमें भी अपना घर बनाना है। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत सारा सामान इकट्ठा करके रखा है जिससे हमारा घर बन जाएगा। तो चलो अभी घर का काम शुरू करते हैं। हम अपने घर यहाँ पे बनाने वाले हैं। लेकिन घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले लगाना पड़ेगा ये वुडन फाउंडेशन। तो इसके ऊपर ही हमारा घर बनेगा। हम बहुत सारा वुडन फाउंडेशन लगाएंगे ताकि हम अपना एक बड़ा सा बेस बना सके। हाँ, और उसमें हम लोग हर चीज रखेंगे, खाना पीना सोना और साथ ही साथ हमारे पेल्स का सामान भी। एरी मिसाल वो से मेरे पोकेमोन से हिंचे, वो से पेल्स है, एरी मिसाल वो पोकेमोन से। अरे दोस्तों, वो पोकेमोन के फ्यूजन है, इसलिए हम उनको पोकेमोन या पेल्स कुछ भी बुला सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोला। ओके, तो यहाँ पे मेरा फाउंडेशन तो लग चुका है, चलो खजाना अब यहाँ पे थोड़ी स्टेयर लगाते हैं। ओके, सो घर के अंदर जाने के लिए हमने स्टेयर्स भी लगा दी है। अब हमें थोड़ी विंडोज लगानी है और वॉल्स लगानी है। खजाना ये हमें कितना बड़ा बनाना है? अभी तो कुछ आइडिया नहीं मसाओ, लेकिन जितना बड़ा हो सके हम उतना बड़ा बनाएंगे। अरे तो हम अपने नए पोकेमोन्स पकड़ने कब जाएंगे खजाना? शिनचैन वो तो अभी हम अगले एपिसोड में करेंगे, आज हम लोग अपना एक अच्छा सा बेस बनाते हैं। ओ, यहाँ पे विंडोज लग गई, अभी साइड पे वॉल्स लगा देते हैं, ऐसा हमारा बेस अच्छा लगेगा। तो बोचेन अभी हमें ये वॉल्स को चारों तरफ लगा देती है। हाँ मसाओ, चलो जल्दी करो, हमें आज बहुत काम करना है। चारों तरफ वॉल्स लगाने के बाद हम लोग बीच में लगाएंगे विंडोज। यहाँ पे लगाओ खजाना सारी की सारी विंडो। हाँ शिनचैन, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ ये विंडो और यहाँ पे ये विंडो। और इस साइड मैं लगाऊंगा, यहाँ पे ये वाली विंडो लग गई और यहाँ पे भी लगाता हूँ। शिनचैन आज तो तुम काफी काम कर रही हो, लगता है तुम मुझे देख देख के सीख रहे हो। ए मसाओ, यहाँ पे वॉल लगाओ और बातें बंद करो। लगा दी बूचे, अभी बस डोर लगाना बाकी है। तो ये रहा हमारा डोर जो के लगेगा यहाँ पे। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, इन्हें तो जाना। अरे शिनचैन, अभी तो थोड़ा सा काम हुआ है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। सो इसके ऊपर अभी हमें एक छत लगानी है। हाँ, उसके लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा ऐसे। ओके, तो यहाँ पे छत लगाना शुरू करते हैं। ये लग गई, अब इस तरफ ही लगानी है खजाना, जल्दी करो। अरे मसाओ रुक जा, काम इतनी जल्दी नहीं होता, हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा। खजाना मैं तो हर चीज जल्दी जल्दी कर देता हूँ, तुम्हें बहुत ज्यादा स्लो है। खजाना अभी हमें ऊपर रूफ भी लगाना है, तो फालतू की बातें बंद करो और जल्दी से काम करो। अरे हाँ मसाओ, बोचे तू लगाएगा क्या रूफ? हाँ मैं लगा देता हूँ यहाँ से, ये लगाना तो बहुत आसान है। बहुत बढ़िया बोचेन, बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं तुम्हारे सारे के सारे काम देख रहा हूँ। शिनचैन देखने के अलावा तुम्हें और कुछ आता क्या है? तेरी मसाओ मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे खाना खाना आता है, सोना आता है। हाँ और हगना भी आता है। नहीं खजाना वो तो तुम्हारे काम है। शिनचैन ओ दोस्तों, यहाँ पे इस टाइप का रूफ लगा देते हैं, ये दिखने में ज्यादा अच्छा लगता है। अरे बोचे तुम यहाँ पे तो लगाना भूल गए काम चोर कहीं के। लगा देता हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? ए बोचन जल्दी करो, तुम भी बहुत ज्यादा स्लो काम कर रहे हो। लग गया मसाओ, अब आगे क्या करना है? अभी हमें ये ट्रायंगल वॉल लगानी है ताकि हम यहाँ से भी इसको बंद कर सके। हाँ, तुम्हें तो काफी अच्छा काम आता है। शिनचैन मैं हर काम अच्छे से ही करता हूँ, तुम लोग बस देखते रहो मैं कितना ज्यादा सुंदर घर बना दूंगा। हाँ, मेरी हेल्प चाहिए क्या? नहीं नहीं, तू तो हमेशा काम बिगाड़ता है, तेरी हेल्प मुझे नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पे ये लग गई ट्रायंगल वॉल, अभी एक विंडो यहाँ पे लगा दो। और ये लग गई, बहुत बढ़िया, हमारे घर का बाहर का काम सारा हो चुका है। और टकली मसाओ यहाँ पे वॉल को लगाएगा। मैं तो भूल ही गया था, सॉरी सॉरी दोस्तों, भी लगा देता हूँ। मसाओ तुम हमेशा कुछ ना कुछ भूल ही जाते हो। अरे कोई बात नहीं बोचे, चलो अभी ये सारा काम हो गया, अब बस हमें अपने घर के अंदर का काम करना है। सबसे पहले हम लोग बेड लगाएंगे खजाना, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। अच्छा ठीक है शिनचैन, यहाँ पे हम लोग अपना बेड लगाएंगे। खजाना डबल बेड लगाओ, एक बेड पे हम लोग कैसे सोएंगे?
बात तो सही है, ये डबल बेड पे हम आराम से सो सकते हैं। ओके, सो बेड की प्लेसमेंट तो हो गई है, अब जल्दी से इसको बना देते हैं। और ये हो गया, अब दूसरे वाले की बारी। तेरी कसम है, मुझे भी कुछ करने दो ना। श्रीचंद कर लेना। ओके, मैं करूँगा अगला काम, वो है खाने का। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो खाना निकालो कसम। ओए ओए श्रीचंद, जब तक आज पूरा हमारा घर नहीं बनता ना, तब तक किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कसम, फिर हम काम किसे करेंगे? अरे काम करोगे तभी तो खाने को मिलेगा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना खाने का टेबल लगा देते हैं। और ये टेबल लगाने के बाद हम आराम से बैठ के खाएंगे, है ना कज़ाना? नहीं शिनचैन, अभी हमें टेबल के बाद चेयर्स लगानी है, उसके बाद हमें कुछ और भी काम है जो मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। ठीक है कज़ाना, तुम्हें टेबल तो लग चुका है, अब चेयर्स की बारी है। हाँ, ये वाली चेयर लगाएंगे हम, यहाँ पे टोटल 3 चेयर लगाएंगे। लेकिन हम लोग तो चार है ना कज़ाना। अरे कोई बात नहीं बुचेट, मसाओ नीचे बैठ के खा लेगा। शिनचैन, मैं नीचे बैठ के क्यों खाऊंगा? अरे मसाओ, तुम तो खा सकते हो ना, क्योंकि तुम तो हम सबसे ज्यादा प्रो हो। हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, मैं तो सबसे ज्यादा प्रो हूँ। लेकिन प्रो का इसे लेने देना क्या है? ओए मसाओ, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं तो यार कम ही खाता हूँ, तुम लोग ज्यादा ठूसते हो, तो इसलिए 3 चेयर बहुत है। अभी रोशनी करो, अंधेरे में तो ढंग से काम ही नहीं हो रहा। ओके, यहाँ पे कोई टेबल लगा देते हैं खाने का, फिर हमारा और भी ज्यादा अच्छा काम होगा। हाँ यार मसाओ, बात तो तेरी सही है, यहाँ पे कोर खाने का टेबल होगा तो हम आराम से खा सकते हैं। कज़ामा, इस बार 4 चेयर्स लगाना। ओके ठीक है मसाओ, जैसा तुम कहो। तेरी दादा क्या बात है, इस बार 4 चेयर्स लगेगी, इसका मतलब हमारे साथ बैठ के खाएगा हमारा एक पोकेमोन। शिनचैन, इस बार मैं बैठूंगा, पोकेमोन क्यों बैठेगा तुम्हारे साथ? अरे यार मसाओ, रोना बंद कर, तू ही बैठेगा। कज़ामा, यहाँ पे ये बार स्टूल लगाते हैं बड़े वाले, ये ज्यादा अच्छे लगेंगे क्योंकि टेबल भी गोल है। हाँ, और दुनिया भी गोल है, मसाओ के टकला भी गोल है। अरे शिनचैन, तुम हर बात में मुझे क्यों घसीटते हो? अरे मसाओ, मैंने तुम्हें कब घसीटा? अरे मेरे कहने का मतलब है, हर बात में मुझे क्यों लेके आते हो? मसाओ, मैं तुम्हें कब लेके आई हूँ, तुम तो खुद आई हो। शिनचैन, अरे मसाओ छोड़ना यार, तू शिनचैन की बातों पे ध्यान मत दे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा ये टेबल और स्टूल लग चुके हैं, यहाँ पे भी कुछ जगह खाली है, तो हम यहाँ पे बेंच लगा लेते हैं। हाँ, खाली खाली जगह ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी, तो यहाँ पे बेंच ही अच्छे लगेंगे। ठीक है, तो ये वाले बेंच लगा के यहाँ पे हम लोग छोटे वाले स्टूल भी लगा लेते हैं। हाँ बोचन, आइडिया तो तेरा अच्छा है, ये वाले स्टूल लगाते हैं। अरे वाह बोचन और कज़ाना, तुम तो बहुत ज्यादा अच्छा काम कर लेते हो। शिनचैन, तू भी हमसे सीखा कर थोड़ा। नहीं कज़ाना, ये काम तुम्हारा ही, मेरा काम है सोने का, खाने का। हाँ, और फिर जरूरत के हक देने का। हाँ मसाओ, तुम भी हकते हो ना? हाँ शिनचैन, मैं तो रोज हकता हूँ। गंदे बच्चे, कैसी बातें करते हो तुम लोग? कज़ाना, तुम होगे गंदे बच्चे, हम तो बहुत ज्यादा अच्छे बच्चे है। शिनचैन, अभी हमें काम करने दो, तुम हमें डिस्टर्ब कर रही हो। मैंने तुम्हें कब डिस्टर्ब किया मसाओ? डिस्टर्ब नहीं होता, वो डिस्टर्ब होता है। ये दोनों मुझे पागल कर देंगे। कज़ामा, मैं तो कहता हूँ हम ही दोनों काम करते हैं, इन दोनों को बाहर बेच देते हैं। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अरे नहीं करेंगे ऐसा, वैसे ये दोनों चीजें क्या है? ये लैंप बेल एंड हैंगिंग ट्रैप है। लेकिन इनका काम क्या है? गाइस, आप लोग हमें कमेंट्स में बताओ कि ये लैंप बेल और हैंगिंग ट्रैप से क्या होता है। चलो कज़ामा, अभी हम अपने पोकेमोन्स के लिए बेड लगा देते हैं। हाँ, उनके सोने का भी तो इंतजाम करना है ना, तो वो सभी यहाँ पे सोएंगे। हम यहाँ पे लगाएंगे टोटल 9 बेड। अरे नहीं, हमें यहाँ पे 100 बेड तो लगाने चाहिए। शिनचैन, इतनी तो हमारे घर में जगह भी नहीं है, हम 9 बेड से ज्यादा लगाएंगे तो हमारा घर दिखने में बुरा लगेगा। अरे हाँ यार बोचन की बात तो सही है, हम अपने घर में कम बेड लगाते हैं और फिर हम अपने पैल्स के लिए एक अलग सा बेस बना देंगे, जहाँ पे सिर्फ उनके ही बेड लगेंगे और उनके खाने का भी सामान हम वहीं पे लगाएंगे। हाँ, उनके लिए हम एक अलग बेस बना देंगे। लेकिन अभी के लिए तो हम यहाँ पे इतना ही काम कर सकते हैं। अरे तभी रुको मत मजदूर, जल्दी से काम करो। ओए हम तेरे मजदूर नहीं है शिनचैन। अरे कज़ामा, तुम लोग मजदूरों की तरह ही तो काम कर रही हो। शिनचैन, हम लोग अपना खुद का घर बना रहे हैं, हम किसी और के थोड़ी ना बना रही है। अरे मसाओ, मैं तुम्हें चेक कर रहा था। शिनचैन, मेरे साथ ऐसा मजाक मत किया करो। हाँ, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ तो मजाक किया ही नहीं मसाओ, तो किसके साथ किया? कज़ामा के साथ। और मेरे साथ भी कैसे कर रहा है तू मजाक? मुझसे कर रहा हूँ कज़ामा। ये तो मुझे आज पागल ही कर देगा, मेरा तो मानना है कि मैं इसके साथ अभी बात ही मत करूँ। तो कज़ामा, बातें कम कम ज्यादा। हाँ, अभी यहाँ पे अपनी चेस्ट लगानी है, क्योंकि हमारे पैल्स के बेड तो लग चुके हैं। ओके, हर तरफ चेस्ट ही चेस्ट कर देंगे और उसके बाद ये लगा के इनको जल्दी से बना डालते हैं। चलो, अब हमारे स्टोरेज का भी काम हो गया, हमारे पास इतनी सारी चेस्ट है कि हम कितना भी सामान इकट्ठा कर ले,
जगह की कमी नहीं पड़ेगी। वाह वाह वाह, क्या बात है, हमारे घर में तो बहुत सारी चेस्ट है। ठीक है, चलो अभी चेस्ट ले चुके हैं, अभी आगे क्या करना है? अभी हमें अपने पैल्स के लिए फूड का इंतजाम करना है। तो पैल्स के फूड के लिए पहले हमें यहाँ पे बहुत सारे फीड बॉक्स रखने होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारी फीड बॉक्स रख लेते हैं, फिर पैल्स हमारी आएंगे और यहाँ से खुद ही खाना खाते रहेंगे। ओए मसाओ, लेकिन हमें फीड बॉक्स को भरना भी तो पड़ेगा। ओए, मैं अपनी पोकेमोन को खाने की कमी नहीं होने दूंगा, मैं उसको खिला खिला के एकदम हटक कर दूंगा, बिल्कुल शेरों के जैसे। लेकिन शेर तो बहुत ज्यादा कमजोर है शिनचैन। तेरे मसाओ, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम नहीं जानते उसको। लेकिन मैंने तो सुना है कि तुम शेरों को खाना भी नहीं देते। मैं उसको सब कुछ देता हूँ मसाओ। अरे खाने से याद आया, हमें भी तो बहुत सारा खाना चाहिए ना, तो हम घर के अंदर ही थोड़े से बेरीज उगा लेते हैं। हाँ, और इससे हमारे पैल्स के खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है किसान, इससे हम लोग भी आराम से खा लेंगे और हमारे पोकेमोन्स भी आराम से खा लेंगे। तो चलो यहाँ पे हमारी खेती बाड़ी शुरू करते हैं। हाँ मसाओ, हम इस घर के अंदर थोड़ी सी जगह में ही बहुत सारी बेरीज उगा लेंगे। चलो इस तरफ तो हो गया, अब उस तरफ भी बना डालते हैं। बहुत बढ़िया दोस्तों, अभी हमारा घर अंदर से बराबर लग रहा है। तेरी कज़ाम है, लेकिन अभी भी एक जगह खाली है ये वाली। हाँ यार शिनचैन, बात तो तेरी सही है, यहाँ पे भी हमें कुछ लगा लेना चाहिए। यहाँ पे हम अपने वर्क बेंच और ये रिपेयर बेंच लगा लेते हैं। हाँ ये आइडिया भी सही है, चलो इन दोनों को यहाँ पे लगाते हैं। ओके सो ये लग गए, अब इनको जल्दी से बना दो कज़ाम। बना दिया शिनचैन, अब बस ये बनाना बाकी है। इसके बाद हमारा पूरा बेस बन गया। अरे हम अपने खेतों में बेरीज बीजना तो भूल ही गए। अरे हाँ यार, हमारे पास बेरी सीड तो पड़े हैं, यहाँ पे जल्दी से उनको बीज देते हैं। उसके बाद उनके ऊपर में पानी भी डालना है बहुत सारा। डालेंगे ना मसाओ, टेंशन क्यों ले रहा है। ओके सो जल्दी से यहाँ पे बीज हम लोग बीज देते हैं। उसके बाद अब डालना है पानी। ठीक है, पानी को मैं डालूंगा। पानी 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 पानी, इनको पानी पिला दो, इनका गला सूख रहा है। चलो इस तरफ तो हमने बैरिज को बीज दिया है, अब हमें दूसरी तरफ भी बीजना है। तो चलते हैं दूसरी तरफ। ओके, उधर भी हम लोग बहुत सारी बैरिज उगा लेंगे। बस आओ चलो यहाँ पे बेरीज बीजना स्टार्ट करो। बस बीज ही दिया बोचे, पानी डालने की बारी है और जिक मैं डालूंगा। हाय हाय शिनचैन, फाइनली तो काम पे आ ही गया। एक जमा में तब से काम ही कर रहा हूँ। हाँ हाँ देख रहा है वो तो। हमने पूरा 2 दिन काम किया, अब देखो बाहर सुबह हो रही है। एंड फाइनली हमारा बेस रेडी हो चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी। ये तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे तो मजा ही आ गया, आज मैंने बहुत ज्यादा मेहनत जो की है। सो गाइस, कैसा लगा आपको हमारा ये पैलवर्ड का फर्स्ट हाउस? इसको कमेंट्स में 10 में से नंबर जरूर देना। हाँ, और अगर आपको आज के एपिसोड में मजा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करना। अगले एपिसोड में हम लोग बहुत सारे पोकेमोन्स पकड़ने जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आप सभी को बाय बाय।